महंगाई की मार झेल रही आम जनता को इस दिवाली में भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही, क्योंकि खाद्य तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर ठक्कर ने यह दावा किया है कि पिछले सप्ताह ओपेक देशों द्वारा पेट्रोलियम क्रूड में उत्पादन में कटौती करने की घोषणा और डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत कम होने से खाद्य तेल के दामों में अचानक से अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। भारत के उपभोक्ताओं को उम्मीद थी कि देश के सबसे बड़े त्योहार दीपावली पर कम दाम पर खाद्य तेल मिलेगा, लेकिन ओपेक के फैसले और कमजोर रुपए ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पिछले 3 महीने से अधिक समय से खाद्य तेल निर्यातक देशों में उत्पादन बढ़ने से और देश भर में अच्छी बारिश के चलते नई फसल का रकबा बढ़ने की उम्मीद से खाद्य तेलों के दाम लगातार गिर रहे थे, लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। वैश्विक स्तर पर पाम तेल की खरीद इस तिमाही में बढ़ रही है। खरीदार प्रतिद्वंदी सोया तेल और पाम तेल के बीच दामों में ज्यादा अंतर होने और गिरते दामों को देखते हुए भारत में भी व्यापारियों ने स्टॉक कम रखा ताकि नुकसान कम उठाना पड़े, लेकिन अब त्योहार नजदीक आने से सबकी एक साथ खरीदारी से डिमांड बढ़ गई है। नवंबर में भारत में शिपमेंट के लिए पाम तेल की पेशकश लागत बीमा और माल ढुलाई सहित $941 प्रति टन पर की जा रही है, जबकि कच्चे सोया तेल के लिए $1364 है। ये $423 का अंतर 10 वर्षों में सबसे अधिक है। एक साल पहले पाम तेल पर सोया तेल के बीच का अंतर करीब $100 प्रति टन था, जो कि अब $400 के पार जा चुका है। वहीं पाम तेल उत्पादक इंडोनेशिया के निर्यात को बढ़ाकर स्टॉक को कम करने के प्रयासों से कीमतों पर फिलहाल दबाव बना हुआ था, जबकि प्रतिद्वंदी तेल अधिक बढ़ रहे हैं। जुलाई के अंत में इंडोनेशिया के ताड़ के तेल का भंडार 2021 के अंत में लगभग 4 मिलियन टन से बढ़कर 5.91 मिलियन टन हो गया, क्योंकि इंडोनेशिया ने 2022 की पहली 6 मई में निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। वहीं सितंबर में भारत का पाम तेल आयात बढ़कर 12 लाख टन हो गया, जो एक साल में सबसे ज्यादा है, और देश की चौथी तिमाही में 30 लाख टन आयात देश अभी कर सकता है। वहीं आपको बता दें कि संगठन के महामंत्री तरुण जैन ने कहा है कि ओपेक देशों द्वारा पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन में कटौती करने से क्रूड के दामों में तेजी आई है, जिसका सीधा असर पाम तेल के दामों में देखने को मिल रहा है, जिससे जैव ईंधन के लिए पाम तेल की खपत में तेजी देखने को मिली है। पिछले एक सप्ताह के भीतर पाम तेल के दामों में 10 से 12 रुपए लीटर तो सोया तेल के दाम 14 से 16 रुपए लीटर और सनफ्लावर तेल के रेट में 18 से 20 रुपए तक की तेजी देखने को मिली है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग में फिर से कड़ा संघर्ष भी देखने को मिल रहा है, जिससे सनफ्लावर तेल की सप्लाई बाधित हो रही है और दामों में तेजी आई है। युद्ध के चलते यूरोप में हीटिंग ऑयल और डीजल की तंग सप्लाई के बाद से ऊर्जा के उद्देश्य से बहुत सारे पाम तेल की खपत हो रही है। ऊपर से रही सही कसर डॉलर के मुकाबले कमजोर होते रुपए ने निकाल दी, इससे आयातित तेलों के दाम पर असर पड़ा। कुछ दिन पहले डॉलर के मुकाबले रुपए का दाम 89 रुपए के करीब चल रहा था, जो अब 83 के करीब पहुंच चुका है, जिससे आयातित तेलों के दामों में वृद्धि देखने को मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।